बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका? ठीक है। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आमीन। मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ चिकन कढ़ाई, ब्लैक पेपर काली मिर्चों की, बहुत टेस्टफुल और बहुत लजीज है। अभी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। 1 कप मैंने घी का लिया है, 1 kg चिकन है, और क्योंकि घी में बहुत टेस्टी बनती है, इसमें मैं चिकन शामिल करूँगी। रहमान रहीम, 1 kg 1 kg मैंने चिकन लिया है, ना ज़्यादा मैंने चिकन बड़ा है ना छोटा, दरमियानी साइज का, वो इसमें शामिल कर रही हूँ। 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से चिकन फ्राई करूँगी, हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए। अच्छी तरह से 6 से 7 मिनट इसको मैं हल्का फ्राई कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने 1 प्याली एक प्याज मैंने ली है, 1 छोटी प्याली प्याज की, ये उसमें शामिल कर रही हूँ चिकन के साथ, वो भी हल्की गोल्डन ब्राउन में करूँगी। अच्छी तरह से प्याज चिकन खुशक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन और प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट खुशक हो रहे हैं। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी, 1 टीस्पून मैं इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का शामिल किया है, और 1 चम्मच मैंने लहसुन का शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून मैंने लहसुन का शामिल किया है, और 1.5 मैंने इसमें अदरक का शामिल किया, 1.5 चम्मच मैंने अदरक के शामिल किए हैं। अच्छी तरह से इकट्ठी मसाले चिकन प्याज लहसुन अदरक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बिल्कुल खुशक हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी का शामिल कर रही हूँ, और 1/2 टीस्पून इसमें हाथ से कुटा हुआ मैंने जीरा लिया है, 1/2 टीस्पून वो इसमें मैंने शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ, बहुत टेस्टफुल है, आप ही बना के देखें। 12 दफा बच्चे नई मसाले वाली चीज़ खाते हैं, हल्का मसाला पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने नमक और ब्लैक पेपर काली मिर्चें पीसी हुई आज कढ़ाई बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1/2 प्याली मैंने दही के लिए वो शामिल कर रही हूँ, 1 कप 1 कप मैंने इसमें दही का लिया है, वो शामिल कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करके 4 से 5 मिनट इसको मैं हल्की आंच पे रखूँगी, 2 मिनट बाद फिर लाऊँगी ताकि दही ना लगे कढ़ाई में, हल्की आंच पे रख देती ताकि चिकन गल जाए। अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो गया है और गल भी गया है चिकन। अब इसमें मैं 1 चम्मच 1/2 टीस्पून दड़ा मिर्च इसमें शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो रख सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं तो कोई इतना मसला नहीं है, मैंने वैसे रखा टेस्ट के मुताबिक। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ, और इसमें अब मैं 1/2 कप से कम इसमें क्रीम का शामिल करूँगी, उससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्लेवर आता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ, कोई इतना टाइम नहीं मुझे लगा, आज काफ़ी बारिश हो रही थी तो इसीलिए ये मुझे बनाना पड़ा, क्यों सब्ज़ी वगैरह की दुकानें बंद थी तो जल्दी से चिकन मिला, मैंने कहा चिकन ही बना लेती हूँ और अपने YouTube फैमिली को भी दिखा लेती हूँ कि अगर मेरी रेसिपी इनको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक कर दिया करें,
शेयर कर दिया करें। और बस को मैं 2 मिनट के लिए दम पे रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चों का शामिल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने पीसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ इसमें, और 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून इसमें मैंने हाथ से कुटा हुआ खुशक धनिया इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक मैं दम पे रखूँगी। और कुछ 4 से 5 पुदीने की पत्तियाँ जो मैंने इसमें शामिल की हैं खुशबू के लिए, अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू आता है पुदीना शामिल करने से। अब 2 मिनट तक इसको मैं दम पे रखूँगी। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अब ताकि घी ऊपर आ जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, काली मिर्चों की कढ़ाई तैयार है क्रीमी फ्लेवर के साथ। मैंने इसी तरह रखा, मैंने बिल्कुल खुशक नहीं किया। आपने खुशक करना है तो अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। मैंने इसी तरह ग्रेवी रखी है ताकि रोटी नान के साथ अच्छी लगती है खाने में। और मुझे अपनी दुआओं में याद किया करें और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।